तो यहाँ फिर एक छोटा सा हॉल्ट लिया है, ये देखिए सराउंडिंग्स। बीच में जंगल के बिल्कुल बीचों बीच एक पर्टिकुलर पॉइंट पे इन्होंने वॉशरूम्स वगैरह बनाए हुए हैं इन केस किसी को जाना हो तो। यहाँ पे सीता माता का मंदिर है। कहा जाता है कि यहाँ पर लव कुश पैदा हुए थे। ये मंदिर है, छोटा सा मंदिर है और यहाँ पर जस्ट 5 मिनट्स के लिए बोला है कि आप जा सकते हैं, जस्ट फॉर 5 मिनट्स। ये है मंदिर। छोटा सा मंदिर है। तो नीचे चल रहे हैं हम लोग, मंदिर में अंदर नीचे एंट्री ले रहे हैं। नीचे स्प्रिंग्स हैं तो आई एम गोइंग टू कवर दैट। ये देखिए छोटा सा मंदिर का कॉम्प्लेक्स। कहते हैं कि लव कुश का जन्म तो यहीं हुआ ही था, साथ ही साथ उनकी उनकी शिक्षा दीक्षा भी यहीं से हुई थी। तो ये काफ़ी टाइम से प्राचीन काल से साधु संतों व सिद्धों की जो है ये तपोभूमि रही है। बहुत ही सिंपल सा, बड़ा पीसफुल सा मंदिर। और अभी हम उतर रहे हैं नीचे फर्दर, क्योंकि नीचे स्प्रिंग्स हैं और नीचे आ गए हैं। और यहाँ पर बड़े अच्छे स्प्रिंग्स हैं, देखिए आई एम हेडिंग टुवर्ड्स दैट। आपको स्प्रिंग्स दिखाने के लिए, आउच, ओह ग्रेट मैन, आउच, पत्थर चुभ रहे हैं पैरों में क्योंकि नंगे पैर आए हैं, मंदिर है यहाँ पर। एंड दिस इज समथिंग जस्ट वाओ, पानी, पानी अगेन। तो चलिए पानी में जरा थोड़ी सी और मस्ती। पानी ठंडा ठंडा पानी, अच्छा 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 ठीक है, चलो भाई लेट्स गेट इनटू द वाटर। एक सेकंड, छोटा सा प्यारा सा वॉटरफॉल, दिस इज सो गुड। मंदिर में ये मिल गया, पानी में आ गए हैं और पानी तो ये मंदिर है। फॉल में हमने खेले, थोड़े से मिनी फॉल्स हैं ये, यहाँ थोड़ा सा हमने खेला, हाथ पैर गीले करे खुद को। अब हम मंदिर साइड देख रहे हैं, छोटा सा मंदिर है, गुफा टाइप। यहाँ कहते हैं लव कुश पैदा हुए थे। छोटा सा मंदिर का कॉम्प्लेक्स है जो काफी नीट एंड क्लीन भी है, बहुत पीसफुल है। एंड ये एक छोटा सा टेरेस है। ओ ये देखिए कुंड, मंदिर में इस इधर अंदर आते हैं तो यहाँ पर दिस इज द वन एंड ओनली मंदिर जहाँ पर सीता जी
लव कुश को गोदी में लेके बैठी हैं। ये देखिए, चलिए अब हम मंदिर की तरफ जाते हुए, मम्मी वॉन्ट्स टू गेट इन। ओके, ये गई मम्मी अंदर। देखिए गाइस, रिवर आ चुकी है। हाँ वो बैठा है, इतना बड़ा। एक सेकंड, मैं कवर कर दूँ।